से दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभांगी किचन में। आज मेरी किचन में बनने जा रहा है महाराष्ट्र और गुजरात का स्पेशल फूड जिसको बोलते हैं खांडवी। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम बनाने जा रहे हैं। कई लोग जब बनाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है और वो अच्छे से रोल नहीं हो पाती, चिपक जाती है, कभी कभी उनका जो घोल है वो उसका प्रोपोर्शन सही नहीं बैठ पाता। लेकिन मैं आज आपके सामने एक एक स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि आप भी मेरे जैसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से घर पे भी बना पाए। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी रेसिपी। खांडवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप या आप कोई भी बाउल सेट कर सकते हैं बेसन ले लिया है, बिल्कुल बारीक वाला बेसन है। इसके साथ ही जितना बेसन लिया है उतना ही दही, यानी कि 3/4 कप मैंने दही भी ले लिया है। यहाँ पर मैंने कच्चा नारियल को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और उसका ब्राउन वाला जो पार्ट होता है वो निकाल दिया था। करी पत्ते लिए हैं और 4 हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक को मैंने इस तरह से पीसेस में चॉप कर लिया है। सबसे पहले अदरक और हरी मिर्च को हम लेकर 1/2 कटोरी पानी डालकर इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। अदरक और हरी मिर्च अच्छे से पिस चुकी है, इसको हम छलनी की हेल्प से छान लेते हैं। इसका अच्छे से हमारा जूस निकल चुका है, ये देखिए। एक मिक्सिंग बाउल के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले बेसन डाल रहे हैं, इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही और बेसन को सबसे पहले आप अकेले ही मिक्स कर ले, नहीं तो फिर लम्स पड़ने के चांसेस रहते हैं। यहाँ हमने 1/2 कटोरी हरी मिर्च और अदरक का जो जूस बनाया है वो ऐड कर रहे हैं। ये हमने अच्छे से छान लिया था। सुपर सॉफ्ट खांडवी बनाने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि आप जितना भी बेसन ले रहे हैं उसका 2.5 गुना आपको पानी लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर 1/2 कटोरी अदरक का जूस ले लिया है, अदरक और हरी मिर्च का। बाकी का हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर बचा हुआ 1-2 ये हम अच्छे से इसका एक घोल बना लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच नमक। बिल्कुल पतला बैटर बनाना है, आप देखिए बहुत पतला ज़्यादा बैटर है ये, बिल्कुल ऐसा ही बैटर हमको चाहिए। ये हमने जो घोल तैयार किया है उसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ही पतला है, हमें बिल्कुल ऐसा ही घोल चाहिए। ये सारा पैन के अंदर डाल देते हैं। प्रेफर कीजिए कि आप इसको बनाते टाइम नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करें ताकि ये चिपकता नहीं है। गैस की फ्लेम मैं थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। अब फुल गैस की फ्लेम रखने के बाद इसको हम इस तरह से कंटिन्यू चलाएंगे। हमें खांडवी के घोल को कंटिन्यू गैस पे इस तरह से चलाना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। अगर आप इसको चलाना छोड़ देंगे कुछ सेकंड के लिए भी तो आपकी खांडवी खराब हो जाएगी और उसमें लम्स पड़ जाएंगे। लम्स पड़ जाएंगी तो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। तो सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप उसका घोल बिल्कुल प्रोपोर्शन से ले और दूसरी चीज उसको कंटिन्यू चलाते रहे। आप देख सकते हैं इसके बैटर कितना थिक हो चुका है और हमें इसको पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुकी है। टोटल इसको हमें 4 से 5 मिनट पकाना है तो सिर्फ 1.5 से 2 मिनट और पकाएंगे इसको। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और ज़्यादा थिक हो चुकी है, ये देखिए। जिस स्टेज पे आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा पैन को छोड़ रहा है उस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है जैसे ये पैन को साइड से छोड़ रहा है, तो अब इसका हम फ्लेम बंद कर रहे हैं। आपको अगर बिगनर है आप और पता नहीं चले कि कितनी देर इसको पकाना है, क्योंकि बेसन भी अलग अलग टाइप का होता है, इस तरह से अपना पानी में हाथ कीजिए और इसको टच करके देखेंगे तो आपका ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकल के आया है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन, इसका मतलब कि हमारा जो खांडवी के लिए बेसन है वो पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैटर ले लेंगे और स्टील की प्लेट पे उसको डाल देंगे। हमने स्टील की इस तरह से प्लेट ले ली है और उनको उल्टा कर लिया है। थोड़ा हम बैटर बिल्कुल कॉर्नर पे इसके डाल देंगे इस तरह से और बाकी के बैटर को हम ढक देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। इस तरीके का जो पलटा होता है सबके घर में होता है अवेलेबल, उससे इसको हम फैलाएंगे इस तरह से। पूरी प्लेट पे फैला लेना है हमें। ये हमने सारा
बैटर एक प्लेट में फैला लिया है, बिल्कुल पतली पतली लेयर में फैलाया है। सेम दूसरी प्लेट पे भी हम इसी तरह से साइड में बैटर डालेंगे। सेम प्रोसेस कर रही है, दूसरी प्लेट पे भी हम इसी तरह से बैटर डाल रहे हैं। इसको भी हम पलटे की हेल्प से इस तरह से पूरी प्लेट पे फैला लेंगे। हमने देखिए ये भी फैला लिया है। यहाँ पर ये खांडवी का देखिए सारा प्लेट पे अच्छे से बैटर सूख चुका है। इसको हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेते हैं। दो दो इंच की लाइनें आप रेक्टेंगल शेप में कट कर सकते हैं। इसको मैं बीच से भी इस तरह से कट कर लूंगी। जब ये कट हो जाएगी इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा नारियल। और थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इस तरह से हम इसके रोल बनाएंगे। ये देखिए इसके रोल बन चुके हैं। ये देखिए बहुत आराम से इसके हमने रोल बना लिए हैं। कितनी पतली ही लेयर हमने इसकी बनाई है। आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और रोल इसी तरह से बाकी के सारे आप बनाकर प्रिपेयर कर लीजिए। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने, क्योंकि बहुत डेलिकेट है तो होती है। देखिए दूसरी भी बन गई है। इसके रोल आप देख सकते हैं किस तरह से रिंग बनी है शानदार। यहाँ पर हमने तड़का पैन लिया है और उसमें हम ले रहे हैं बड़ा एक चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होने पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच राई। यहाँ पर हम डालेंगे दो लंबी कटी हुई हरी मिर्च, कुछ करी पत्ते। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। फिर डालेंगे सफ़ेद तिल। खांडवी के लिए हमारा तड़का तैयार है। खांडवी के ऊपर हम ये तड़का डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस तड़के से। ऊपर से गार्निश करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़े से ग्रेटेड कोकोनट। खांडवी रेडी है। ये देखिए इसी तरह से आप भी अपने घर पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं।